जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के इस तंत्र के बारे में। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में लद्दाख में भारत और चीन के बीच जैसी स्थितियां हैं, वैसे देख करके यही लगता है कि कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने सभी लड़ाकू जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को और भारतीय सेना ने भी अपने जवानों को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। और चीन की तरफ से भी यही खबर आई है कि चीन ने भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करना शुरू कर दिया है और चीन ने अपने जवानों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। चीन की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस में काफ़ी भारी मूवमेंट देखी गई है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना और चीन के वायुसेना में कोई फ़र्क है, और भारत को क्या एडवांटेज मिल सकता है और क्या डिसएडवांटेज मिल सकता है, वो भी बात करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं अपनी बात वायुसेना की स्ट्रेंथ से। अगर हम वायुसेना में फ्रंटलाइन फाइटर्स की बात करें तो इस समय भारतीय वायुसेना में चीन में जो फ्रंटलाइनर्स तैनात हैं उनमें से है हमारा सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29 और LCA तेजस। तो अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने भी अपने J-10, J-20 जहाज़ों को, जहां तक सुनने में आया है, और J-15 को भी उतार दिया है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन इनकी संख्या बढ़ा भी रहा है। तो क्या भारतीय वायुसेना इस समय जो जहाज़ों की कमी से जूझ रही है उसका फ़र्क चीन के सामने पड़ेगा? अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय वायुसेना में जहाज़ों की जो कमी है वो भविष्य में एक गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि 2030 से 2035 के बीच भारतीय वायुसेना तकरीबन 350 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को रिटायर करने वाली है, जिनमें से MiG-29 होंगे, मिराज 2000 होंगे और Sukhoi-30 MKI भी होंगे। तो उस समय भारत के सामने समस्या ये होगी कि भारत को 350 जहाज रिटायर करने हैं, तो तकरीबन भारतीय वायुसेना को इतने ही जहाज जो है अपने सेना में इंडक्ट भी करने होंगे। वहीं अगर हम बात करें 2035 तक अगर 300 जहाज इंडक्ट कर भी लिए जाते हैं तब भी उस समय तक भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 100 से 200 जहाज़ों की कमी होगी। अब सवाल ये है कि इस समय इसका मौजूदा हल क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं। भारतीय वायुसेना के पास अगर देखा जाए तो इसमें दो ऑप्शन ही हैं। पहला तो है MMRCA टेंडर, जहाँ पर वो विदेशी जो जहाज़ हैं उनको कंसीडर कर सकता है। दूसरा है हमारा स्वदेश में चल रहा LCA तेजस का, और तेजस मीडियम वेट फाइटर का टेंडर, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी किफ़ायती हो सकता है। तो क्या भारत MMRCA के लिए जाएगा? देखिए, अगर भारत अभी MMRCA के लिए जाता भी है तो जहाज़ मिलने में कम से कम हमें 3 साल का समय लगेगा। यानी अगर मान लेते हैं कि 2021 में ये टेंडर फाइनल होता है तो हमें तकरीबन 2024-25 तक जहाज मिलेंगे। वहीं अगर हम तेजस मीडियम वेट फाइटर की बात करें तो इसको लेकर कैसा कहा जाता है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो 2026 से शुरू हो जाएगा, यानी कि हमें तब भी 1 से 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। वहीं AMCA की बात करें तो AMCA तकरीबन 2030 तक प्रोडक्शन लाइन में आ पाएगा। तो ऐसे में आप ही सोचिए भारत के लिए अच्छा ऑप्शन क्या होगा, 3 साल वेट करना या 7 से 8 साल वेट करना। भारत के सामने अगर हम इस समय जहाज़ों के ऑप्शन की बात करें तो तमाम हैं, जैसे राफेल हो गया, SU-35 हो गया हमारा, और F-21 हो गया, ग्रिपेन हो गया, यूरोफाइटर टाइफून, SU-35 और F-35 भी कहा जाता है कि इस ऑप्शन में आ चुका है। तो यहाँ पर अच्छा यही होगा कि भारतीय वायुसेना इस समय इतना लंबा इंतज़ार ना करके तत्काल के तौर पर अपने लिए कुछ जहाज ऑर्डर कर दे, ताकि जब तक मीडियम वेट फाइटर तैयार नहीं होता है भारतीय वायुसेना के स्तर में कोई खास फर्क ना पड़े। तो आपको इस बारे में क्या